पानी एकदम से आया, अरे पता ही नहीं चला, किसी को हवा ही नहीं लगा, इतने वेग से आया वो, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पीला पीला हाँ वहाँ पर था मैं, अच्छा इसलिए बच गया मैं। तुम बच गए, तो मैंने भी नहीं था। अच्छा, लेकिन मेरा बचने का सौभाग्य ये रहा कि मेरे साथ दो लड़के थे। अच्छा, वो दुकान अंकल कह रहे हैं कि पानी यहाँ यहाँ तक था, मतलब यहाँ तक, वो वहाँ फंसे हुए थे। मैंने अभी अंकल के मुझे बानी सुनी है, और उनके सुन के रॉन्ग पे खड़े हो गए, मतलब मेरे भी यार। आप जस्ट यार सोचो, यहाँ पे पूरे 5,000 दुकानें, लाखों लोग एकदम से, और अंकल कह रहे हैं कि एकदम से पानी आया, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आया हो, थोड़ा थोड़ा पानी नहीं, एकदम से पानी आया, और ऐसा था जैसे भाई स्नो खोलना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, अभी सही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा बारिश हो जाती है उसको ठीक रहता। आप देख सकते हो हम उनका बैग फुल पैक है, और आज हम जा रहे हैं, फाइनली मेरा सपना पूरा हो रहा है, जो लाइफ में एक छोटा सा सपना था, बहुत बड़ा सपना था, छोटा सा नहीं। आज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, मेरे साथ जा रहे हमारे हिमांशु भाई, मैंने उंगली करी, हिमांशु भाई ने मेरा उंगली करी, बोला चलना नहीं, दो साल से मेरी प्लानिंग थी वैसे, दो साल से सुधीर भाई भी जा रहे हमारे। चलो जी जय भोलेनाथ, आगे की अपडेट, आगे की अपडेट अभी नीचे सब बंदों के साथ दिलाऊंगा। अंदर देखो भीड़, ये सब सब के सब केदारनाथ वाले। ये अपने पलटन चल रहा है, पैसे बचाए जा रहे हैं यहाँ पे पैसे। इस चाय की कीमत यहाँ पे खड़े हुए सब लोग जानते हैं, क्योंकि भाई अंदर हो रहा तगड़े वाली भीड़, बहुत तगड़े वाली भीड़ हो रही है। एंड अभी हम रुके रास्ते में ये ढाबा 9 जैन शिकंजी, एंड चाय भाई साहब पूरा ना 15 मिनट तो वेट कर लिया हमने, 15-20 मिनट से ज़्यादा, तब जाके अच्छा है, इसके 20 रुपये भी देने। तू ना सुन, तेरे को जितना हिसाब लेना हो ना, तू व्लॉग देख लियो कि भाई बंदे से इतने पैसे लेने, 20 रुपये चाय, 30 से 90 कितना कितना है, पर चाय अच्छी, नो डाउट। अभी चाय पी के अपन सोएगा, क्योंकि चाय पीते ही नींद आती है अपन को, एंड बाकी सब लोग अंदर हैं। The next day. भाई, good morning and भाई, जन्नत दिखा दो जन्नत, and ठंड यहाँ पे ज्यादा हो रही है इसलिए मैंने स्वेटर पहन ली, and look at this, my God यार, भाई साहब भाई मुझसे हजम नहीं हो रहा एक्चुअली, मैंने मैं बता नहीं सकता आपको कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है नदी है, देखो उस तरफ ना, ऐसे लग रहा है नदी आ रही है, पब्लिक सारी फोटो शूट में लगी हुई है। हमारे हिमांशु भाई भी उठ गए हैं, नींद से जाग गए, इनको नींद आ रही थी। हाँ भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव गाइस, हर हर महादेव, इनको कमेंट में फटाफट से, ओ माय गॉड, पर ठंड तगड़े वाली हो गई। हमारी बस कहाँ गई, एंड वो रही हमारी आज की सवारी। 2000 years later. सर, और इस मैगी का मैंने कम से कम 1 घंटा वेट किया है, पूरा 1 घंटा। मेरे मानसो भाई, कि तूने कितना वेट किया? 10 मिनट क्योंकि जब तू यहाँ आ रहा मैं तो ऑर्डर दे रहा था। चलो ब्रेकफास्ट का भाई अपडेट कुछ ऐसा है, एक पराठा एक मैगी खाने के बाद, एक घंटे की वेटिंग के बाद बोलो। हाँ, 1 घंटा वेट किया, फिर एक मैगी आया, एक पराठा आया, उससे थोड़ी सी फिर एनर्जी आई, तो अब अपन कैमरा ऑन करके बैठा है, ये भोले बाबा के जा रहा हूँ, देखो इसमें मिला रखा है एनर्जी ड्रिंक, ये जलता है, ये पेप्सी खाली नहीं है, धूप में कल देख इसका कलर दिखेगा, देखो मिला हुआ है। एक नंबर का ड्राइवर है, फास्ट एंड फ्यूरियस 11 में भाई का सिलेक्शन होना बनता है। मनु भाई कस्टमर से बदतमीजी से बात करते हैं वो लोग,
भाई कुछ कह दो, दो शब्द तुम बस आगे देखते रहो। 2000 years later. अभी हम देवप्रयाग हैं एंड यहाँ पे देखो ये दो नदियों का मेल हो रहा है उस तरफ। अभी हम आए हुए इस ब्रिज के ऊपर एंड ये ब्रिज सच में हिल रहा है एंड ना डर सा लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है गाइस। एंड देखो व्यू, देखो नदी, नदी शोर, नदी की आवाज़ ना सुन सकते हो आप बहुत दूर से, ऊपर तक आवाज़ आ रही है एंड मज़ेदार। सो भाई फाइनली धूप आ चुकी है एंड धूप में मैंने निकाल दिए स्वेटर क्योंकि माहौल गर्मा गर्म हो चुका है। ये देखो यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट, हाँ भाई लौंडे। एंड पानी का बहाव तेज़ हो गया है क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि बांध खोल दिया इधर से बहाव पड़ा। एंड ये मंदिर बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिखाता हूँ आपको अंदर। भोले बाबा हर हर महादेव। शिवाय सुर बरमालिक पार न पाए, नमो नमो जय नमः शिवाय सुर बरमालिक पार न पाए। चलो 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 पड़ गया। कल की भगवान जी कलयुग में आएंगे। अच्छा ये और हाँ ये कल की गुफा The next day. So भाई आपका भी रेडी हो गया, बैग शेक लगा लिया एंड सुबह के बज रहे अभी 3:30 एंड ब्रेकफास्ट में चल रहा पोहा एंड इस रूम को करते हैं अलविदा एंड चलते हैं ट्रैक करेंगे। बाहर मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो रखा है। तो हर हर महादेव। तो भाई स्टार्ट कर चुके अपना ट्रैक हम एंड चलते हैं आगे भी। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर रहे आगे, शूट करते हैं आगे। तो भाई अरे ब्रह्म से चले रखा है, ये लड़की हमारे साथ नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हमारे साथ नहीं है, पहले सुनो, ये हमारे साथ है। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कैमरा टूट गया ना इसलिए। अरे आप पता हम लॉग इसलिए नहीं बना रहे ना, क्या पता क्योंकि भाई ठंड है ऊपर, मे भी शायद बर्फ भी पड़ी हो। अभी तक तो नीचे तो बर्फ है नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है एंड गुड वाइब एंड हर हर महादेव लिख दो कमेंट में। एंड ठंड हो रही है तो मेरी ना थोड़ी सी टंग फिसल रही है, स्किट हो रही है मिशलेन के टायर की तरह। जो मेरे पीछे है ये है गौरी मंदिर, गौरी कुंड अभी रास्ते में एंड मंदिर देखो यार कितना ही ब्यूटीफुल है। पुराना बिल्कुल बहुत पुराना मंदिर देखने से चल रहा है एंड अंदर जो इसके कैमरा लाओ नीचे हाथ से अंदर मूर्ति बड़ी वेरियन बहुत पुराना लग रहा है यार, मतलब देखने से भी पुराना लग रहा है। एंड अब चलते कुंड की तरफ एंड ये हमारे मानशु भाई। हालत हल्की सी टाइट हुई नहीं हुई, थोड़ा सा ना कम वजन दिया मेरे को, इसके बाद वजन थोड़ा कम है इसलिए बस 20 किलो का। हाँ सो एंड ये लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं पढ़ना तो, ये मतलब मंदिर की स्थापना कैसे हुई। एंड अब आपको लेके चलता हूँ मैं कुंड की तरफ एंड ये महादेव। फाइनली हम पहुँच गए कुंड में, ये रहा कुंड, देख सकते हो भाप निकल रही है, मतलब बहुत गर्म पानी है जिसमें आप नहा भी सकते हो। जैसे कि देख हमने नहाया नहीं, ऊपर पानी डाल लिया, बहुत गर्म पानी है अच्छा खासा, मतलब पैर डालोगे रिलीफ मिल जाता अच्छा खासा। एंड इसके कुंड के बगल से ही ब्यूटीफुल नदी जा रही है, ऊपर से आ रही है, खरी बहुत तेज़ आवाज है। चलो ऊपर चलते हैं आगे की और, झरना दिखा छोटा सा एंड मैंने सोचा इसका पानी पी के तो ट्राई करना चाहिए, कैसा पकड़ यार कैमरा। Thank you.
एकदम मिनरल वाटर था, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा पानी और मीठा पानी है, टेस्टी। सो भाई ट्रैकिंग इज ऑन, 5 किलोमीटर कंप्लीट और हालत हो रखी घस्ता तगड़े वाली। मगर एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, हमें ना अपनी जवानी पे शर्म आना चाहिए। ये देखो मेरे साथ मम्मा चल रही हैं, अम्मा कम से कम 90+ होंगी एंड हल्का सा भी ना कोई सांस फन रहा उनका, मतलब थकावट तो कुछ कह नहीं सकते आप। और इवन हमसे तेज स्पीड है उनकी, दिखाता हूँ। अम्मा पीछे रह गई, अंकल जी थकावट बिल्कुल नहीं हो रही? नहीं जा करने बिल्कुल आराम। मैं कह रहा हूँ हम जवानों को शर्माने जी, ये पुराना घी खाए हुए ना। अम्मा को देखो, अम्मा बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही? नहीं चलो नहीं है रही, बेकार। आवाज़ से पता लग रहा है मेरी आवाज़ में मैं हाफ रहा हूँ, अम्मा बिल्कुल भी नहीं हाफ रही। हाँ ये है जवानी, खाम खा की जवानी। ये देखो जवानी, हालत खराब है। और व्यू भाई साहब, बस इस व्यू को देख देख के चढ़े जा रहे हैं। हर हर महादेव। यात्रा का आधा रास्ता कंप्लीट हो गया, रामबाड़ा आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड, 2013 में जो बाढ़ आई थी वो सारा पहुँचे यही था, अभी ये सारा का सारा बह गया सारा वहाँ से। आप जस्ट इमेजिन कि कितने फुटों में पानी आया हुआ, जो फुट वगैरह सब देखो सारा टूटा हुआ है। Years later. So भाई 1 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद, मतलब आधे के बाद 1 किलोमीटर और चलने के बाद मेरे को लगा ही अब खाएंगे हम दाल चावल, बहुत महंगा है यहाँ पे भाई सब कुछ खाना पीना, मतलब हद है। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा खाना लेके आना चाहिए, 150 रुपये के दाल चावल ये बस, ना कुछ टेस्ट ना कुछ। और पराठा मंगाया 70-80 रुपये का पराठा है। बस इन स्वादियों के स्वाद है और कुछ नहीं है। वो बोलते हैं चोरा सरोवर, गांधी सरोवर भी बोलते हैं, चोरा सरोवर भी बोलते हैं। टूट गई वो चीज जो है कि अब बोलने के लिए कह रहे बादल फट गया जी। अच्छा, लेकिन हमारे दृष्टि से दूसरी चीज है। अच्छा, ऊपर से बर्फ का गोला बन के आया, यहाँ जो है हजारों वर्ष पुराना बर्फ होता है उसमें हीरा पैदा होता है। अच्छा, और वो बर्फ के गोले के साथ हीरा आया, हीरा ने चट्टान काट दिया, काट करके जो है सब कर दिया। अच्छा, मतलब वो दुकान से प्लेन था यहाँ पे पूरा वो था। अच्छा जी, ये खड्डा है उससे हो गया बाढ़ से, कर रहा हूँ ना रास्ता पहले वहाँ से 14 किलोमीटर था, इस समय आपके साथ 2.5 किलोमीटर रह गया था केदारनाथ। अच्छा जी, यहाँ से 2.5 किलोमीटर था पहले, नहीं वहाँ से यहाँ चल के आया उतने में गरुड़ चट्टी पहुँच गए। अब यहाँ सामने से दिखाई देगी लाल बिल्डिंग, वहाँ पहुँच गए थे आप, वहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ से थोड़ी दूर है 2-2.5 किलोमीटर। पानी एकदम से आया, अरे पता ही नहीं चला, किसी को हवा ही नहीं लगा, इतने बेग से आया वो, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। तब ये समझ लो कि वो भी मई जून की बात है, उस समय इतनी खतरनाक यात्रा होती है कि आपकी इच्छा करे कि मुझे रसगुल्ला खाना है यहाँ पर, आप वहाँ से इधर नहीं आ सकते। अच्छा। रस होता था इतनी भीड़ होती थी, कैसे आएंगे वहाँ से इधर, मार कैसे करें, घोड़े हैं पत्थर है कैसे कर जाए, आदमी बहुत आगे समय बहुत ज्यादा। आप किस, मतलब आप यही ऊपर ही थे यहाँ पे? अच्छा, आपकी भी वहाँ दुकान थी? जहाँ पर वो पीला, अच्छा वो जो पीला पीला, हाँ वहाँ पर था मैं। अच्छा, इसलिए बच गया मैं। तुम बच गए, तो मैंने भी नहीं था। अच्छा, लेकिन मेरा बचने का सौभाग्य ये रहा कि मेरे साथ दो लड़के मेरे। अच्छा, वो दुकान का काम कर देते थे, लेकिन समय ऐसा आया कि उनका था इंटर, एक ने जो है कि बी फार्म का टेस्ट देना था, एक ने ITI का देना था, वो दोनों निकल गए और तब दुकान में मुझे खड़ा रहना ही था, इसलिए बच गया, नहीं तो मैंने उन्होंने दुकान में रहना था, मैंने नीचे बैठने के लिए आना था। आपका नसीब अच्छा था, अंकल बच गए। हाँ वो तो बात।
भाई ये जो आपको दिख रहा है ये प्लेन अभी अंकल ने बताया कि यहाँ पे ये खड्डा नहीं था पहले, बाढ़ से पहले ये प्लेन था, यहाँ पे पूरा बस्ती थी, वहाँ पे 5,000 के लगभग दुकानें अंकल बता रहे हैं। जो कौन सी जगह थी, रामबाड़ जो है यही वो एरिया था। आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो, अंकल कह रहे कि आप यूट्यूब पे देखना पहले कैसा था ये। तो ये पहले सपाट था ये, और वहां से लेके फिर ये ऊपर जाके वहां चढ़ रहा था ये। मतलब जितना भी हम घूम घाम के आए पहले इतना नहीं था। अब आप जस्ट इमेजिन, अंकल कह रहे हैं कि अंकल की दुकान ये यहाँ पे वो जो पीला दिख रहा है, सॉरी ये वाला नीला वाला, यहाँ पे पीले कलर के एक टेंट है, इसमें दिख नहीं रहा कैमरे में, मेरे को दिख रहा है अंकल की दुकान वहाँ थी। और अंकल कह रहे हैं कि पानी यहाँ तक था, मतलब यहाँ तक वो वहाँ फंसे हुए थे। मैंने अभी अंकल के मुझे सुनी है और उनके सुन के रॉन्ग पे खड़े हो गए, मतलब मेरे भी यार। आप जस्ट यार सोचो, यहाँ पे पूरी 5,000 दुकानें, लाखों लोग एकदम से, और अंकल कह रहे कि एकदम से पानी आया, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आया हो, थोड़ा थोड़ा पानी नहीं, एकदम से पानी आया। और ऐसा था जैसे कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट का जो होता है ऐसा बता रहे कि जैसे कंक्रीट का होता है, सारा मलबा मिक्स था, मतलब कि ये नहीं कि पानी बिल्कुल गाढ़ा दलदल टाइप। भाई साहब यार क्या कह सकते हैं। तो भाई एक शॉर्टकट मारा, शॉर्टकट का फल ये मिला, प्यास लग रही थी, झरना है पानी क्यों है यार, एकदम फ्रेश वाटर। मेरा मन कर रहा है तो नहा लूं मैं, शॉर्टकट कभी कभी अच्छे साबित होते हैं। ओह ओह ओह, चलो ऊपर चलते हैं। आ जाओ, थक गए। अरे तुम तो जल्दी आ रहे। कोई नहीं, क्या हो गया? छूट गए थे। हाउ इज द जोश? बोलो। ऑसम। संजय भाई हाउ इज द जोश? बहुत आड़। दो शब्द, हाउ इज द जोश? वेरी डाउन। देख ये बंदे भी तो इतना वेट लेके जा रहे। चल कोई नहीं, बढ़िया बंदे। सो भाई रास्ते में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। एंड बाकी भोले बाबा के दर्शन तो हो ही रहे हैं। Years later. भाई स्नोफॉल ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, अभी सही बता रहा हूँ, इससे अच्छा तो बारिश हो जाती है उसमें ठीक रहता। स्नोफॉल भाई सुनने में मजा आता है कि स्नोफॉल हो जाए, भगवान मजा आ जाए। हालत खराब हुई स्नोफॉल से यार, एक तो पैर स्किट हो रहा है, ठंडा ठंडा क्या बताऊँ, पूरे कपड़े इतने गीले करती है। चलो कोई नहीं, हरहर महादेव दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। एंड बाहर आते भोले बाबा ने सरप्राइज दिया, देखो दिख सकता है थोड़ी थोड़ी ना स्नोफॉल हो रही है, मजेदार जन्नत वाली फीलिंग है। एंड मैं दर्शन बहुत अच्छे हुए, अंदर कैमरा ले जा नहीं सकता था मैं। एंड यार हरहर महादेव